दोस्तों जो किया कह रहे हैं 7.5 में पेट्रोल वाला जो इसका इंजन है वो काफ़ी अच्छा रिफाइंड वाला इंजन दिया हुआ है। यही सेम इंजन किया की सेल्टोस है, ये क्रेटा है, वरना है, इन चारों गाड़ियों में इसका ये इंजन को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इंजन है। और दोस्तों जो इसकी एवरेज निकल के आती है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। पेट्रोल में हाईवे पे ये 16-17-18 तक की निकाल देती है, और लोकल में तो आपको पता ही है सारी गाड़ियाँ चाहे हैवी इंजन हो चाहे लोकल हो वो कम ही एवरेज देती है, 9 या 10। टैंक टू टैंक जितनी भी एवरेज निकालती है मैं उसका आज रिव्यू दूंगा आपको भाई कितनी है ये सिलेंडर के अंदर एवरेज निकाल देती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज मैंने इसमें 600 रुपये की CNG गलवाई है जो कि 8 किलो CNG इसमें आई है। उसके हिसाब से देखता हूँ कि भाई आज ये सिटी के अंदर कितने किलोमीटर निकाल देगी। और दोस्तों ये सिटी के अंदर जो ट्रैफिक वाला रूट होगा वो भी मैं सिटी के अंदर ही चलाऊंगा इसको, उसके हिसाब से मैं दोस्तों आपको इसकी एवरेज का रिव्यू दूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसा कि आप देख रहे हो अब बिल्कुल लाल बत्ती जलने के बाद ख़त्म हो चुकी है CNG। अब मैं इसमें CNG फिल करवा रहा हूँ और देखते हैं भाई कितनी क्या चलेगी ये एक CNG के सिलेंडर में और कितने की इसमें CNG आते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जुड़े रहिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी भाई किया कैरेंस लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और पेट्रोल में जो वेरिएंट लेंगे और उसके बाद CNG लगवाने की जो सोच रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो साबित हो सकती है। तो दोस्तों देखते हैं इस जो टैंक टू टैंक की जर्नी है उसमें कितनी एवरेज निकालती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज 74 kg की CNG है, अभी देखते हैं कितने की क्या फील होगी इसमें। दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग इसमें 8 किलो CNG आ जाएगी, 8 तो आ गई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अब मैंने इसमें CNG फुल करवा दी है और चारों डंडे फुल हैं और इसमें 605 रुपये की CNG आई है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने इसका मीटर भी ज़ीरो कर दिया है और देखते हैं भाई ये अपना, अब मैं इसमें ना टैंक टू टैंक जो सिटी के अंदर CNG की वो एवरेज आती है वो मैं आपके सामने दिखाऊँगा भाई कितनी एवरेज निकाल के देती है सिटी के अंदर। इसमें 8 किलो CNG आई है 600 रुपये में और देखते हैं भाई 600 रुपये में कितने किलोमीटर चलती है लोकल में विद AC के साथ विद ट्रैफिक, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये 42 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक इसका जो CNG का एक डंडा ही कम हुआ है, 3 डंडे अभी भी बचे हुए हैं और देखते हैं दोस्तों ये कितने किलोमीटर निकालती है एक टैंक में। और ये जो एवरेज मैं आपके सामने दिखाऊंगा वो सिर्फ सिटी की एवरेज होगी, मैं इसको कहीं हाईवे वाईवे पे नहीं लेके जाऊंगा, सिटी के अंदर की इसकी एवरेज होगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे अभी तक 49 किलोमीटर चल चुकी है और 3 ही डंडे अभी बाकी हैं, देखते हैं दोस्तों कितनी और चलेगी ये लोकल में। जैसा कि आप देख रहे होगे बिल्कुल मैं जो ट्रैफिक है उसी में चला रहा हूँ गाड़ी को, ना कि हाईवे का यूज़ कर रहा हूँ। लोकल में ही गाड़ी जितनी एवरेज देगी टैंक टू टैंक मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे 67 चल चुकी है और 2 डंडे बचे हुए हैं, 2 डंडे इसके ख़त्म हो गए, टोटल 4 डंडे थे। देखते हैं दोस्तों पूरी अभी मान लो 2 के बाद
एक रेड वाला और रिजर्व का बच जाता है, वो और देखते हैं भाई कितने किलोमीटर निकालती है। और ट्रैफिक तो दोस्तों आप जैसा आपके सामने है वैसा ही है ट्रैफिक। ये दोस्तों यूं मान लो चौथे पांचवे छठे गियर वाली है, यूं नहीं है भाई खुला मिला हो, ये ट्रैफिक वाली एवरेज होगी दोस्तों आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी 88 किलोमीटर चल चुकी है और अब भी दो डंडे बाकी हैं। देखते हैं दोस्तों कितनी चलती है ये। और एम्बिएंट लाइट का मजा ही अलग है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे अभी तक गाड़ी 138 किलोमीटर चल चुकी है और अभी इसका एक डंडा बाकी है जो कि रिजर्व में बोलते हैं रेड वाला। और ये और ख़त्म होने के बाद मैं बताता हूँ कि भाई दोस्तों ये आखिरकार कितने किलोमीटर निकाल देती है सिटी के अंदर। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो मेरे हिसाब से तो अभी तक अच्छी एवरेज निकाल रही है, क्योंकि ये जितनी भी अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है सिर्फ यूँ मान लो सिटी के अंदर है। मैंने किसी भी प्रकार का हाईवे यूज़ नहीं किया है, लोकल के अंदर 600 रुपये में 140 निकाल दिया भी, और देखते हैं मेरे हिसाब से 150 किलोमीटर के आसपास निकाल ही देगी। उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी एवरेज है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे अभी तक 151 किलोमीटर चल चुकी है और अभी इसकी जो रेड वाली डंडी है वो अभी भी लाइट बची हुई है। देखते हैं और दोस्तों कितने किलोमीटर में ये ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से मैं जो अप्रोक्सीमेट वो कर रहा था 150 की कर रहा था, और गाड़ी लोकल में 150 की निकाल के दे रही है, वो काफ़ी अच्छी एवरेज है मेरे हिसाब से। और वो भी निकाल के देखेंगे दोस्तों कि भाई ये एक किलो सीएनजी में कितनी एवरेज निकाल के दे रही है, और ये 8 किलो सीएनजी में आप यूँ मान लो ये और 2-4 किलोमीटर और चल पाएगी। 155 मान के चलो 155 किलोमीटर लोकल के अंदर गाड़ी निकाल के दे रही है, और ये काफ़ी अच्छी एवरेज है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे सीएनजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो गाड़ी चली है वो 152 किलोमीटर चली है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सीएनजी का फुल सिलेंडर इसका फिनिश कर दिया है, और गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर का पता भी नहीं लगता, जो कि किया करेंस पेट्रोल में है उसके अंदर डिग्गी में जो सिलेंडर होता है उसका चलाते वक्त बिल्कुल भी फील नहीं होता कि भाई पीछे सिलेंडर का भी कोई रोल है, बॉडी रोल में दिक्कत कर रहा है नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। काफ़ी अच्छी तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया हुआ है और गाड़ी चलाने में बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।